नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूं और इस बुक का ऑथर हूं जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। पिछले कुछ वीडियोस से हम फिगरेटिव प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 9 तरह के प्रीफिक्स हैं, उसमें से एक प्रीफिक्स जिनको हम पिजोरेटिव प्रीफिक्सेस कहते हैं। पिजोरेटिव प्रीफिक्सेस का मतलब होता है कि अगर हमने किसी चीज को या व्यक्ति को या किसी और चीज को हमने अगर बुरा कहना हो तो उसके लिए हमारे पास MIS, मिस, MAL, मैल, MALE, मैलई, DYS, डिस, इल और ककू, ये हमारे पास 6 प्रीफिक्स हैं। ये जिसके भी आगे लग जाएंगे आप ये समझ लीजिए कि उसमें किसी ना किसी चीज की बुराई की गई है या बुरी चीज है वो। ठीक, कुछ मेरे को फीडबैक मिला था, इसलिए उस फीडबैक को देखते हुए मैं बोर्ड के ऊपर ही इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो मैं बोलकर आपको बताऊंगा मीनिंग इनके, तो थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। तो एक वीडियो में हम 10 वर्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है मैलएडेप्टेशन। अडेप्ट का मतलब होता है सुटेबल बनाना किसी चीज को, अडेप्ट से एडेप्टेशन बना है। तो मैल का मतलब खराब, एडेप्टेशन का मतलब किसी चीज को सुटेबिलिटी। तो फॉल्टी एडेप्टेशन, सपोज हमने किसी कहानी के ऊपर फिल्म बनाई लेकिन वो प्रॉपर नहीं बनी तो वो फॉल्टी एडेप्टेशन कहलाया जाएगा। मैल एडजस्टेड, यहां पर इसको एक चीज और समझ लीजिए आप, कभी भी डी और जे इकट्ठे आएंगे तो डी साइलेंट रहता है, तो इसको एडजस्टेड नहीं कहते, इसको कहते हैं एडजस्टेड। दिस इज मैल एडजस्टेड। मेल बिठाना, एडजस्ट का मतलब होता है मेल बिठाना, और अगर इसके आगे मैल लग गया तो इसका मतलब गलत तरीके से, यानी कि हमने मेल बिठाने की कोशिश की लेकिन वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब है पुअरली एडजस्टेड, है ना। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट होता है। ठीक, और मैल का मतलब खराब, तो बैड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ठीक, पब्लिक अफेयर्स मतलब जो हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, जब हम शासन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो अगर हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, और डेक्स्टर का मतलब भी होता है स्किलफुल। तो मैल का मतलब तो खराब रहेगा, बुरा रहेगा, ड्रॉइट का मतलब स्किलफुल, जो नॉट डेक्स्ट्रस, जो स्किलफुल नहीं है उसको हम कहेंगे मैल ड्रॉइट। मैलेडी, मैलेडी का मतलब इलनेस, बीमारी, डिजीज। मैलेज, अनइजीनेस। मैलेज क्या है, जब हम आसानी पर नहीं होते हमें, अनइजीनेस, अन का मतलब नॉट, इजी का मतलब आसानी। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एट इजी इज अनइजी। मैल एप्रोप्रिएट, किसी चीज को मिसयूज करना, मैल एप्रोप्रिएट। मैल कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। मैल कंटेंट का मतलब डिससेटिस्फाइड, कि वो अपनी चीजों से, अपने एनवायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, या किन कुछ लोगों से है? ये जनरली हम मैल कंटेंट का इस्तेमाल हम पॉलिटिकल अफेयर्स की बात जब होती है तो उसमें करते हैं। मैल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट होता है किसी चीज में लगाना किसी चीज को।
या इस्तेमाल करना, तो मैल का मतलब खराब, डिप्लॉयमेंट का मतलब है ना जब हम यूज करते हैं किसी, जैसे फोर्सेस को यूज किया या रिसोर्सेस को यूज किया। तो इनएफिशिएंट, इन का मतलब नॉट, एफिशिएंट का मतलब सक्षम, जो अच्छे तरीके से, अगर अच्छे तरीके से हम, पर्सनल का, पर्सनल मतलब लोगों का, जैसे किसी पुलिस पर्सनल हो गए, और अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज का अगर हम ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते तो उसको कहते हैं मैल डिप्लॉयमेंट, मैल डिस्ट्रीब्यूशन। मैल का मतलब खराब, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। तो अनफेयर, जो ठीक नहीं है, अनफेयर का मतलब जो ठीक नहीं है, और अनइवन, जो बराबर नहीं है। अन का मतलब नॉट रहेगा हमेशा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तो इन सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको इस बुक में मिल जाएंगे जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बुक मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे 9810388344 पर कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।